बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें जी 2021 जो आपका चैप्टर है, ओवरऑल देखें तो अगर कोई पार्ट टू से कोई इम्पोर्टेंट पूछे जी कि इम्पोर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं जहाँ पे आमतौर पर इंजीनियरिंग का टेस्ट जो है वो पिक होता है, उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्शन आपका वो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, और फिर जो सेकेंड नाम आता है वो आपका है न्यूक्लियर फिजिक्स, मॉडर्न एंड न्यूक्लियर फिजिक्स यानी 2021। इनमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो पिक होते हैं इन यूनिट्स में से, ठीक है जी। सो इस वजह से इम्पोर्टेंट भी आज की डिस्कशन जो है। क्वेश्चन नंबर वन जी, द एनर्जी एमिटेड बाय अ सोर्स इज इन द फॉर्म ऑफ, रूल है जी, आंसर इज चार्ली फोटॉन्स। एनर्जी एमिटेड आर ऑब्जॉर्ब ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। जब आप 19 चैप्टर में जो है वो आप ब्लैक बॉडी रेडिएशंस पढ़ते हो, तो उसमें जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो पैराग्राफ पढ़ेंगे, उसमें बुक की लाइन है कि एनर्जी इज ऑलवेज एमिटेड आर ऑब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। चैप्टर 20 के स्टार्ट में भी आप ये पढ़ते हो, जब आप वहां पे स्पेक्ट्रम्स की बात करते हैं, तीन तरह के स्पेक्ट्रम जो आप पढ़ते हो जी, मिशन स्पेक्ट्रम में लाइन स्पेक्ट्रम, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम जो है वो कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम, बैंड स्पेक्ट्रम, तो वहां भी सबसे पहले यही आप पढ़ते हो कि एनर्जी एमिटेड आर ऑब्जॉर्ब ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन यानी फोटॉन की फॉर्म में होती है, तो आंसर इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा सिंपल है जी। इसमें उसने पूछा है कि आप ये बताएं कि हमें जो है वो एनर्जी, इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट एनर्जी कह रहा है जी, उसकी है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो कहता है अगर N2 से N3 में आते हैं तो ये बताएं कि ट्रांजिशन के लिए एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड होगी। ज़रा एनर्जी डिफरेंस के इक्वल रिक्वायर होगी। और याद रखना आपने, चूंकि एनर्जी का फॉर्मूला जो है हमारे पास क्या होता है, ई एन इज इक्वल टू माइनस ई नॉट डिवाइडेड बाय एन स्क्वेयर। तो अगर इसकी वैल्यू 1 रखेंगे वो आपके पास जो है वो ग्राउंड स्टेट एनर्जी आ जाएगी, 2 रखेंगे सेकंड स्टेट की, 3 रखेंगे थर्ड स्टेट की, एंड आपको सोन। अगर हम एन की वैल्यू पुट करके इसको कैलकुलेट करें, एन इज इक्वल 1 के लिए आता है -13.6, एन इज इक्वल 2 के लिए जो है वो आएगा -3.40, एन इज इक्वल 3 के लिए आएगा -5.1, एन 4 के लिए आएगा -0.85। तो ये कम से कम 4 तक आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए। अब उसने डिफरेंस पूछा 2 से 3 का, 2 से 3 का मतलब है 2 से 3। अब इसका मतलब ये हुआ कि हम एन टू एन माइनस जब चेंज एनर्जी का निकालेंगे, सो हमारे पास जो डेल्टा ई है वो किसके इक्वल आ जाएगा, डेल्टा ई विल बी इक्वल टू एन 2 से 3 कह रहा है। सो ये -1.51, ठीक है जी, फाइनल माइनस इनिशियल जो है माइनस, आगे फिर से एक दफा करोगे -3.40। सो यहाँ पर अगर और करें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। इसका मतलब है जब चेंज फाइंड करोगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा और आपका आंसर जो है वो बनेगा 1.89। अगर आप इसको सॉल्व करके देखें तो इसका मतलब है कि आपको जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो कौन सा आंसर हो जाएगा, अल्फा आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। तो इसमें आपका आंसर जो है वो क्या बनता है, अल्फा आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 3 है जी, इसमें उसने कहा है कि एनर्जी जो है वो, क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें जी अपने बताना ये है कि जो है वो जब इलेक्ट्रॉन गोज फ्रॉम लोअर लोअर टू हायर ऑर्बिट, लोअर से हायर ऑर्बिट में जाता है, तो ये बताएं कि उसमें जो है वो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, ठीक है जी। अच्छा, अब आप जब लोअर से हायर ऑर्बिट में जा रहे होते हो, ठीक है जी, तो उसमें देखें साथ साथ जो है वो जो हम न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होते हैं ना, वहाँ रिक्वायर्ड जो सेंट्रिपिटल फोर्स है वो ज्यादा चाहिए होती है, तो वहाँ स्पीड हाई होती है यानी काइनेटिक एनर्जी हाई होगी, ठीक है जी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, लो होगी। और जो जो आप जो है वो हायर पोटेंशियल की तरफ जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी क्या करती जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जाहिर है क्या करती जाएगी, वो इंक्रीज करती जाएगी। तो इसलिए आंसर जो है वो आपका कौन सा बनेगा, चार्ली आंसर बनेगा। वैसे भी काइनेटिक एनर्जी के और पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले जो है वो आगे जाके हम इसको डिस्कस भी करेंगे, जो इन केस ऑफ एटम है वो एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, उसमें आपको और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है जी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, द रेशियो ऑफ लाइफ टाइम ऑफ मेटास्टेबल। बहुत सिंपल है जी, आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जो आपके पास मेटास्टेबल स्टेट होती है वो 10^-3 सेकंड होती है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलेटिवली लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए रुकता है,
और जो नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट होती है वो 10^-8 सेकंड होती है। दोनों की रेशियो लेंगे तो आंसर कौन सा आ जाएगा, बीटा 10^5:1। तो इट्स वेरी सिंपल। हाँ जी, अभी हम बात कर रहे थे कि जी नेक्स्ट जो है वो आगे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो है उसकी बात मैंने कहा था, अभी अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। तो ये देखें, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में होती है द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का सम। काइनेटिक एनर्जी देखें प्लस में है तो 1/2 के स्क्वायर ओवर आर एन, ठीक है जी। तो अगर हम जो है वो यहाँ पर देखें कि जो इसके साथ कौन सा साइन है, पॉजिटिव, जबकि पोटेंशियल एनर्जी के साथ कौन सा साइन है, नेगेटिव साइन है। और जब इन दोनों का हम सम करेंगे तो जाहिर है ये हाफ है, ये वन है, तो आंसर -1/2 के स्क्वायर ओवर आर एन आएगा। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए, काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का और टोटल एनर्जी का। अच्छा, अब उसने रेशियो पूछी है काइनेटिक एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी टू टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी टू टोटल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी देखो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, फर्क ये है इसके साथ पॉजिटिव साइन है और जो टोटल एनर्जी है उसके साथ नेगेटिव साइन है। तो रेशियो लेंगे तो आंसर आपका 1:-1 बनेगा, तो आपका आंसर अल्फा आ जाएगा। नेक्स्ट है जी इसमें क्वेश्चन नंबर 6, और इसमें जो है वो रेडबर्ग कांस्टेंट जो है वो हमें पता है क्या होता है, 1.0974 × 10^7 पर मीटर। उसने डायमेंशन यूनिट पूछा है, तो डायमेंशन जो के पर मीटर, यूनिट जो के पर मीटर होता है, इसलिए डायमेंशन आपकी एल की पर -1 आ जाएगा, यानी डेल्टा आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट द गिवन ग्राफ, आप ये कर्व जो है वो आपकी बुक में गिवन है, इसको एनालाइज भी करते हैं कि जो पीक्स होते हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ये करेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जबकि ये जो कॉन्टिन्यूस लाइन होती है ये वाली जो है ये कॉन्टिन्यूस एक्सरेज को रिप्रेजेंट करती है, ये जो पीक्स होती है ये करेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज को रिप्रेजेंट करती है। चूंकि के बीटा एक्सरेज जो है उनकी वेवलेंथ जो है वो के अल्फा से कम होती है, सो यहाँ पर जो लेफ्ट वाली पीक होगी जो कि कम वेवलेंथ की है वो के बीटा की होगी, और जो बड़ी जिसकी पीक है वो जो है वो हमेशा के अल्फा की होती है, राइट। चूंकि जो प्रोबेबिलिटी है जो एक्सरेज की, उसमें जो के अल्फा एक्सरेज है उसकी इंटेंसिटी जो है एज कम्पेयर टू के बीटा ज्यादा होती है, तो उसके ज्यादा मिट होने के चांस होते हैं, लेकिन एनर्जी कम होती है क्योंकि वेवलेंथ ज्यादा होती है। तो ये वाला जो पीक है ये ए जो है ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, के बीटा को, जबकि जो ये बी है ये वाली पीक किसको रिप्रेजेंट कर रही है, के अल्फा को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ उसने ए पूछा था तो ए रिप्रेजेंट किसको करेगा, के बीटा को। अगर वे बी पूछता तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रही होती, वो के अल्फा सीरीज को रिप्रेजेंट कर रही होती। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जब आप इस तरह के टॉपिक्स पढ़ रहे हो तो आप उसको डायग्राम्स को अच्छे से एनालाइज किया करें ताकि आंसर्स आपके ठीक आए। और नेक्स्ट जो है ये आपका बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, पास्ट पेपर के अकॉर्डिंग जो है अक्सर जो है ये पेपर में पूछा जाता है, फाइंड द लॉन्गेस्ट या शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फॉर एनी रेडियस, एनी रेडिएशन, एनी सीरीज के बारे में। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जो है उसने पूछी है कौन से सीरीज की, बाल्मर सीरीज की। अब बाल्मर सीरीज जो है ये किसी भी सीरीज के लिए, आपने फॉर्मूला एक ही याद रखना है, फॉर एनी सीरीज, चाहे वो आपकी लाइमन सीरीज हो, बाल्मर सीरीज हो, क्वेश्चन सीरीज हो, ब्रैकेट सीरीज हो, फंड सीरीज हो, पांचों में से किसी के लिए भी पूछे, तो अगर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछे तो एन की वैल्यू पी प्लस वन होनी चाहिए, जैसे यहाँ उसने लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछा, और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछे तो एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इनफाइनाइट। अब बाल्मर सीरीज में पी की वैल्यू 2 होती है, मतलब बाल्मर सीरीज में यहाँ पी की जगह क्या होता है, 2, तो चूंकि बाल्मर सीरीज में पी जो है वो 2 के इक्वल होता है, और उसने लॉन्गेस्ट पूछी है तो मैं कहूंगा पी प्लस वन, यानी 2+1 क्या आ जाएगा, 3। तो लॉन्गेस्ट के लिए यहाँ जो आंसर है वो आपका क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। जो कि देखे ना, जितना एनर्जी गैप ज्यादा होगा उतनी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की रेडिएशन एमिट होंगी। तो अब मिनिमम से मिनिमम एनर्जी गैप कितना हो सकता है, 2 द नेक्स्ट शेल, इसका मतलब है द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए पी प्लस वन, और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्टेंस हो सकता है वो कितना हो सकता है, एन इज इक्वल टू इनफाइनाइट। जैसे नेक्स्ट में उसने पूछा फाइंड द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, किसी भी सीरीज के लिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछे तो एन की वैल्यू आपने क्या कह देनी है, इनफाइनाइट कह देनी है। तो 8 का आंसर आपका बीटा बनेगा, 9 का आंसर जो है वो डेल्टा बनेगा।
नेक्स्ट है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 10, द टारगेट मटेरियल यूज्ड इन एक्सरे ट्यूब मस्ट हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। हाँ जी, हाई मेल्टिंग पॉइंट, और हाई क्या होना चाहिए? एटॉमिक नंबर। हाई एटॉमिक नंबर इसलिए होना चाहिए, जितना हाई एटॉमिक नंबर होता है उतना एनर्जी शेल्स में गैप ज्यादा होता है, और हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट होने के चांस होंगे, यानी कि वो एक्सरे रीजन में फॉल करेंगी। जैसे हाइड्रोजन जो है उसको हम एक्सरेज प्रोड्यूस करने के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसके एनर्जी शेल्स में गैप कम होता है। तो आपने पढ़ा था उसके स्पेक्ट्रम में कि उसमें तीन तरह की रेडिएशन एमिट हो सकती है, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, ऐसी है जो, और विजिबल। जबकि अगर हमें एक्सरेज प्रोड्यूस करनी है, हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करनी है, तो हाई एटॉमिक नंबर होना चाहिए। हाई मेल्टिंग पॉइंट इसलिए होना चाहिए ताकि टारगेट मेटल जो है वो मेल्ट ना कर दे, क्योंकि कंटिन्यूसली उसके ऊपर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट हो रहे होते हैं, तो उसका टेम्परेचर अल्टीमेटली राइज कर जाता है। इसलिए उसके साथ कूलिंग ट्यूब्स भी लगी होती हैं, तो इसीलिए हम एक्सरेज जो ट्यूब है उसको कूलेज ट्यूब भी कहते हैं, और उसको मुसलसल ठंडा करने का सिस्टम भी उसके साथ इंस्टॉल होता है। सो इसलिए आंसर इज अल्फा, हाई एटॉमिक नंबर एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये बहुत सिंपल है जी। फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरेज किस पे डिपेंड कर रही है? ये डायरेक्टली डिपेंड करती है एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के ऊपर, क्योंकि फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ कंटीन्यूअस एक्सरेज में पढ़ा था आपने, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, वोल्टेज के। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एफ मैक्सिमम इज इक्वल टू ई वी ओवर एच, का मतलब है कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। जबकि जो करेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज हैं वो सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ द मटीरियल के ऊपर, टारगेट मटीरियल के ऊपर डिपेंड करती हैं, जबकि जो कंटिन्यूस एक्सरेज हैं ये एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रही होती है। 11 का आंसर जो है वो बीटा होगा। 12 जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल ग्राउंड स्टेट एनर्जी का भी हमने डिस्कस किया, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, देखिए इजी। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, अक्सर पेपर में इस तरह के क्वेश्चन भी आते जाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं जंप कर रहा है फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट, वेवलेंथ बताएं इन टर्म्स ऑफ रेडबर्ग कांस्टेंट। यहां आर स्टैंड्स फॉर रेडबर्ग कांस्टेंट, तो n3 से कहां आया, 2 से, मतलब थर्ड से सेकंड ऑर्बिट में, p की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3 रखेंगे। 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट इन 1 ओवर 2 स्क्वायर माइनस 1 बाय 3 स्क्वायर, वही फार्मूला यहां p स्क्वायर माइनस n स्क्वायर वाला। वैल्यूज पुट करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, 5/36 आ जाएगा, क्योंकि आपने वेवलेंथ बतानी है तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 ओवर वेवलेंथ नहीं बतानी, वेवलेंथ बतानी है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 ओवर 5 आर आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर आपका जो है वो बनेगा यहाँ पर बीटा आंसर बनेगा। नेक्स्ट है जी, इसमें क्वेश्चन नंबर है जी 14, ये भी सिंपल है जी। अंडरलाइंग प्रिंसिपल जो है वो क्या होता है, आप बुक में यही डायग्राम देखते हो, कहते हैं अगर आपने इंटेंस लेजर प्रोड्यूस करनी है तो आपको जो है वो तीन फिनोमेना पता होना चाहिए, इंड्यूस्ड अब्सॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस एमिशन और इंड्यूस्ड एमिशन। इसलिए इसमें आंसर जो है वो क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। इसमें लेजर प्रिंसिपल जो है उसमें तीनों ये फिनोमेना जो है वो अंडरलाइंग होते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आंसर इज डेल्टा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, ये भी सिंपल है। पॉपुलेशन इन्वर्जन का क्या मतलब होता है? देखिए, अगर हमें इंटेंस लेजर प्रोड्यूस करनी है तो हमें पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है वो अचीव करना पड़ती है, जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में, फिजिक्स लैंग्वेज में ऑप्टिकल पंपिंग भी कहते हैं। कि जैसे हीलियम नियोन लेजर में जो लेजिंग गैस है वो क्या है, वो नियोन है, जबकि हीलियम उसमें ऐड की जाती है ताकि ऑप्टिकल पंपिंग होती रहे और कंटिन्यूसली ज्यादा से ज्यादा एटम जो है वो कौन सी स्टेट में रहे, एक्साइटेड स्टेट में। ये देखें, ये नॉर्मल पॉपुलेशन है। नॉर्मल पॉपुलेशन में ज्यादातर जो इलेक्ट्रॉन वो ग्राउंड स्टेट में होते हैं और कम इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में होते हैं। पॉपुलेशन इन्वर्जन जब अचीव हो जाती है तो उसमें क्या होता है, ज्यादातर इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन सी स्टेट में होते हैं, एक्साइटेड स्टेट में, कम इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में होते हैं। अगर कोई हम ऐसा मैकेनिज्म बना दें जिसमें ज्यादातर इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ रहे, एक्साइटेड स्टेट में रहे, तो हम कहते हैं कि हमने क्या अचीव कर लिया, पॉपुलेशन इन्वर्जन। और उसको सस्टेन रखने के लिए हम फिर उसको जो है वो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑप्टिकल पंपिंग। जैसे कि हीलियम नियॉन लेजर में हीलियम 85% होती है जबकि नियॉन जस्ट 15% होती है। इसका मतलब जब भी कोई हीलियम का एटम जो है, मॉलिक्यूल जो है वो नियॉन के मॉलिक्यूल से कोलाइड करता है तो उसको ऑक्साइडेड स्टेट में ले जाता है, क्योंकि उसकी जो है ना जस्ट वो 15% है। अब बाकी हीलियम जो है वो 85% है, इसका मतलब है कि कोई जो नियॉन है उसके चांस ही नहीं है कि उसके ज्यादातर एटम जो है वो ज्यादा देर के लिए ग्राउंड स्टेट में रह सके। वो ज्यादातर कौन सी स्टेट में होंगे, एक्साइटेड स्टेट में होंगे।
सो इसलिए आंसर इज अल्फा. डायग्नोज डिजीजेस ऑफ आई जी इन्फॉर्मेशन है, बेस क्वेश्चन है. इस तरह के क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं. हीलियम नियॉन लेजर जो है उसके यूजर्स में लिखा हुआ है ये. अच्छा यहाँ पर जो है वो आपने फिर वेलोसिटी का फॉर्मूला जो है बुक के अकॉर्डिंग देखें तो क्या है जी, एन एच ओवर टू पाई एम इंटू आर. तो यहाँ कहते हैं कि आपका एन जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है. तो ये बताएं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द हाइड्रोजन न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू. सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग देखें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए. आंसर ठीक नहीं, ये आंसर अल्फा बनेगा जो कि यहाँ इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वी इज इक्वल टू एन एच ओवर टू पाई एम आर है. तो इसका मतलब है हम कहेंगे वी इज इक्वल वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर एन हो जाएगा. ठीक है जी. अच्छा अब देखो कि यहाँ पर जो है अगर फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n इज इक्वल टू 1 रख के हम यहाँ पर बाकी सारी वैल्यूज पुट करें तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए जो आपकी यहाँ पर वेलोसिटी आपके पास आएगी वो क्या आएगी जी, वो आएगी 2.197 इंटू 10^6 मीटर पर सेकेंड. ये वाली वैल्यू भी आपने याद रखनी है. जो फर्स्ट हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन बोहर ऑर्बिट है, फर्स्ट बोहर ऑर्बिट जो है उसमें जो स्पीड है वो अप्रोक्सीमेटली 2.197 इंटू 10^6 मीटर पर सेकंड होती है. यानी इट इज द ऑर्डर ऑफ 10^7 मीटर पर सेकंड. ठीक है जी, ये आपने वैल्यू याद रखनी है. नेक्स्ट जी 18 जो है वो कि इसमें कह रहे हैं जी कि ये बताएं कि एक दूसरे के क्या है K39 और Ca40 जो है. अच्छा इसमें तीन चीजें आपको बतानी चाहिए, ऑलरेडी आपको पता भी होंगी कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोटोन्स क्या होते हैं. आइसोटोप्स आप सबको पता है कि जिस सेम एटॉमिक नंबर लेकिन डिफरेंट मास नंबर हो तो वो आइसोटोप्स कहलाते हैं. आइसोबार्स क्या होता है, सेम मास नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो. जबकि आइसोटोन्स हम कहते हैं डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं. तो ऐसे एलिमेंट्स जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम हो जबकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट हो उनको हम एक दूसरे के क्या बोलेंगे, आइसोटोन्स बोलेंगे. और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना आप सबको आता होगा, क्या करते हैं मास नंबर से हम जो है वो चार्ज नंबर को जो है वो प्रोटॉन नंबर को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं. ए माइनस डी करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे. तो आप जरा गौर करें, यहाँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालें, 39 - 19 जो है, यहाँ से 40 - 20 दोनों में 20 20 आएंगे. चूंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है और प्रोटॉन नंबर भी डिफरेंट है, इसका मतलब ये हुआ आपका आंसर जो है वो ये क्या बनेगा, आइसोटोन्स. तो ये तीनों आपने याद रखने हैं, आइसोटोप्स टोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स का कॉन्सेप्ट क्या है और आइसोटोन्स का कॉन्सेप्ट क्या है. 219 जी, विच मटेरियल कैन बी यूज एज ए मॉडरेटर. ये भी सिंपल इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है. हैवी वाटर को हम एज ए मॉडरेटर यूज कर रहे होते हैं. न्यूक्लियर रिएक्शंस में कहते हैं यहाँ क्या आएगा. अच्छा इसमें देखो जो हमारे पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का मास है वो सेम होना चाहिए. तो अब देखो 10+4 ऊपर जो है मास नंबर जो है इस साइड पे कितना बनेगा, 14. ठीक है जी. और चार्ज नंबर 5+2 जो है वो कितना बनेगा, टोटल 7. सो अब इधर भी इतना होना चाहिए. अब देखो यहाँ 7 है जबकि ऊपर 13 है, इसका मतलब है हमें एक और चाहिए. तो वो लाजमी तौर पर जो है वो क्या होना चाहिए, न्यूट्रॉन ही होगा चूंकि उसके ऊपर चार्ज कोई नहीं होता तो 0 और मैस उसका जो है 1 होता है. तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर मिसिंग जो टर्म है उसमें न्यूट्रॉन आना चाहिए. तो आंसर आपका कौन सा बनेगा, बीटा. नेक्स्ट है जी, इसमें इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन जी अगर हम बात करें 21 की, द बेस्ट प्लेस टू स्टोर डंप न्यूक्लियर वेस्ट जो है वो क्या होता है. तो ओल्ड अंडर द ओल्ड सॉल्ट माइंस है, ये आपकी बुक की लाइन है. चूंकि ये जो कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है 100% डिके नहीं करता, 100% डिके के लिए उसको इनफाइनाइट हाफ लाइफ रिक्वायर होती हैं. यही वजह है कि उनको हम डंप कर देते हैं. और कहाँ डंप करते हैं, उसके लिए सबसे सेफेस्ट प्लेस जो है अब तक जो मिली है वो कौन सी, अंडर ओल्ड सॉल्ट माइंस के अगर हम उसको डंप कर दें तो वो सेफ हो जाता है. 22nd में हाउ मेनी रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, ये भी इन्फॉर्मेशन है जी. 1 becquerel कितना होता है, ये रेडियो एक्टिविटी का यूनिट है. That is equal to 3.7 into 10^10 disintegrations per second. Next, half-life से related question है. और half-life से related आगे जो है हम details में बात भी करूंगा ताकि half-life का कोई भी question आए आप easily answer कर सकें. इसमें देखो उसने कहा है half-life जो है उसकी आपको given है 140 days. अब total amount दी हुई थी 16 ग्राम और कहता है जब आपकी बाकी रह जाए वो 1 ग्राम जो है वो बाकी रह जाए
तो बताएं टोटल टाइम कितना होगा आफ्टर टोटल टाइम। एक फॉर्मूला है जी, आपने जब भी हाफ लाइफ का क्वेश्चन सॉल्व करने हैं फॉर्मूला एक ही यूज करना, कौन सा? हाफ लाइफ इज इक्वल टू टोटल टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। फिर से सुन ले, हाफ लाइफ इज इक्वल टू टोटल टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। ये फॉर्मूला है, यहाँ से टोटल टाइम फाइंड करना है तो एन इंटू हाफ लाइफ आएगा, नंबर ऑफ हाफ लाइफ इंटू जो है वो हाफ लाइफ। अच्छा, अब आपके पास फॉर्मूला है कि अनडिकेड जो अमाउंट रह जाती है वो 1 ओवर 2 की पावर क्या होती है, n। सो डेल्टा n ओवर n नॉट मीन 1 ओवर 16, तो 1 ओवर 16 को हम क्या लिख सकते हैं, ये 1 बाय 2 की पावर क्या हो जाएगा, 4। इसका मतलब है n यहाँ नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स होती हैं, सो 1 बाय 2 की पावर 4 का मतलब है, देखे ना फ्रैक्शन जो लेफ्ट है तो वो अमाउंट कितनी रहेगी थी 1 ग्राम, टोटल कितनी थी 16, सो 1 बाय 16, तो डेल्टा n ओवर n नॉट 1 बाय 16 है, तो 1 बाय 16 को हम 1 ओवर 2 की पावर क्या लिख सकते हैं, 4। इसका मतलब यहाँ से हमें नंबर ऑफ हाफ लाइफ पता चल गई, तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ यहाँ 4 है, तो t इज इक्वल टू 4 इनटू क्या आ जाएगा 140, तो आपका आंसर 560 डेज आ जाएगा। अच्छा, मैं अब इसको आसान करने के लिए मैंने जितने भी हाफ लाइफ के जब भी जो भी क्वेश्चन आए, अब बहुत इजी उसका आंसर कर सकते हो। करना क्या है कि एक और हाफ लाइफ का क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे 25 है जी, इसमें हम कह रहे हैं कि इनिशियल एक्टिविटी ऑफ ए सैंपल जो है वो एन नॉट इज ए नॉट, तो ये बताएं व्हाट नंबर अनचेंज न्यूक्लियाई व्हेन आफ्टर एक्टिविटी जो है डिक्लाइन टू ओरिजिनल का हाफ हो जाए, तो बताएं। तो हमें पता है ये फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद होता है, यानी एन नॉट ओवर टू, जब हाफ टोटल का हाफ हो जाए तो वो फर्स्ट हाफ लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये तो क्वेश्चन बहुत ईजी था, मैं ऊपर वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ कि उसको अगर हमें डील करना हो, किसी भी हाफ लाइफ क्वेश्चन को डील करना हो, आपने ये टेबल लर्न करना है। ये वाला टेबल जो है अच्छे से एक दफा आपने एनालाइज कर लेना है, किसी भी किस्म का हाफ लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। जैसे देखो जी, फ्रैक्शन ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ, फ्रैक्शन ऑफ डिकेड न्यूक्लियाई जो है, और परसेंटेज अनडिकेड, यहाँ अनडिकेड और परसेंटेज डिकेड जो है, ये वाला टेबल एक दफा बना के आपने चेक कर लेना, जरा गौर करें जी कैसे। जैसे आपको कहा जी फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद जो है अनडिकेड अमाउंट कितनी रह जाएगी, 1 ओवर 2 की पावर 1, यानी 1 बाय 2। आफ्टर सेकंड हाफ लाइफ जो है 1 बाय 4। आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ 1 बाय 8। आफ्टर फोर्थ हाफ लाइफ 1 बाय 16। जैसे अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है तो 1 बाय 16 का मतलब आपको ऑलरेडी क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ के समझ आ जाना चाहिए कि 4 हाफ लाइफ है। 1 बाय 32 का मतलब जो है वो क्या होगा, फिफ्थ हाफ लाइफ। अपर जो अनडिकेड डिकेड है, डिकेड अमाउंट का जो डिके हो चुके हैं, तो वो कैसे निकालेंगे, 1 माइनस जो डिकेड अमाउंट है, तो हाफ आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ जो है जो डिकेड अमाउंट है वो फ्रैक्शन में 1 बाय 2 होगी। आफ्टर सेकंड हाफ लाइफ के लिए 3 बाय 4, थर्ड हाफ के लिए 7 बाय 8, फोर्थ के लिए 15 बाय 16 और फिफ्थ के लिए 31 ओवर 32। अब परसेंटेज में देखें तो फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद 50% डिकेड और 50% अनडिकेड, ठीक है जी। अब इसी तरह से जो है सेकंड हाफ लाइफ में 25% अनडिकेड, 75% जो है वो डिके हो चुका होगा। अब ये देखो, जैसे यूजी का क्वेश्चन था पास्ट पेपर में, आफ्टर हाउ मेनी हाफ लाइफ्स 75% ऑफ द रेडियो एक्टिव जो है वो सैंपल हैव बीन डिकेड, तो सिंपल आंसर था आफ्टर टू हाफ लाइफ जो है वो 75% जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिकेड हो चुका होता है। थर्ड हाफ लाइफ में 12.5% जो है वो अनडिकेड रह जाएगा, जबकि 87.5% डिके हो चुका होगा। इसका और हाफ करें, 6.25% जो है वो डिके अनडिकेड रह जाएगा, जबकि 93.75% डिकेड हो चुका होगा। इसी तरह से फिफ्थ हाफ लाइफ में 3.125% जो है वो अनडिकेड रह जाएगा और 96.875% जो है वो डिके हो चुका होगा। अच्छा, आप देखो इस टेबल को अगर आप एनालाइज कर लेंगे, आप किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन आता है इजीली आंसर कर सकोगे। जैसे नेक्स्ट ही क्वेश्चन है, उसने कहा जी कि फॉर्मूला आपके पास एक ही है, उसने कहा जी कि ये बताएं हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 1500 इयर्स। अब हाफ लाइफ आपको गिवन है और टोटल टाइम गिवन है, और आपसे पूछा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ सैंपल दैट वुड लेफ्ट सरवाइव आफ्टर 6000 इयर्स। अब फॉर्मूला आपने एक ही याद रखना है, कौन सा, हाफ लाइफ जो होती है वो टोटल टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ हाफ लाइफ होती है।
यहाँ से अगर नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालनी हो तो टोटल टाइम ओवर हाफ लाइफ, या टोटल टाइम आपको बताया हुआ 6000 डिवाइडेड बाय 1500, आंसर आ जाएगा 4। और आपको पता है 4 हाफ लाइफ बाद जो है वो कितनी अमाउंट अनडिकेड रह जाती है, 1/16। अगर वो डिकेड अमाउंट पूछता तो आपका आंसर क्या होता है, 15/16। तो इसमें आपका आंसर जो है वो आपका 1/16 यानी कि डेल्टा आंसर बन जाएगा। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन हाफ लाइफ से रिलेटेड आएगा आप इजीली उसका आंसर कर सकते हो, जस्ट इस टेबल को अच्छे से एनालाइज करना है। ठीक है जी। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। 24 जो है इसमें उसने कहा जी कि एन अब्सॉर्ब डोज जो है उसमें मैथ आपको गिवन है, यहाँ जरूरत नहीं है, इसमें आपको जो अब्सॉर्ब इक्विवेलेंट डोज यानी 400 mg गिवन है। आपने जो फॉर्मूले रिवाइज करने हैं जी वो इक्विवेलेंट डोज का अब्सॉर्ब डोज का ये फॉर्मूले एक दफा रिवाइज कर लेने और रिलेटिव बायोलॉजिकल फैक्टर भी देखना है कि क्या होता है। देखो जी डी ई जो है वो क्या है, यानी अब इक्विवेलेंट डोज जो है वो 400 mg है, लेकिन हमारा स्टैंडर्ड यूनिट रैम नहीं है, वो क्या है, सीवर्ट है। तो 1 mg के किसके इक्वल होता है, वो 0.01 सीवर्ट के इक्वल होता है। तो 400 मल्टीप्लाई बाय 1 mg जो है वो 0.01 सीवर्ट होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो अब्सॉर्ब डोज आपके पास क्या आ जाएगी, 4 सीवर्ट। अब इक्विवेलेंट डोज होती है रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस मल्टीप्लाई बाय डी, और जब आप मल्टीप्लाई करोगे सॉरी यहाँ डिवाइड कर लेंगे जो कि हमें डी फाइंड करना है यहाँ से, तो डी इज इक्वल टू डी ई ओवर आर बी ई 4/10 यानी 0.4 ग्रे आंसर आ जाएगा। एक दफा इन यूनिट्स को रिवाइज भी कर लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए। अब्सॉर्ब डोज आपको पता है जी एनर्जी पर यूनिट मास होती है, जो रेडिएशंस आप अब्सॉर्ब करते हैं कोई भी बॉडी पर यूनिट मास उसको हम कहते हैं अब्सॉर्ब डोज। इसका जो एसआई यूनिट है वो ग्रे है और 1 joule per kilogram है। इसका ओल्ड यूनिट जो है होता था रेडिएशन, 1 radiation होता है 0.01 ग्रे। इसी तरह से वो कहता है ये देखें इक्विवेलेंट डोजेस ऑफ डिफरेंट जो है वो रेडिएशंस डू नॉट प्रोड्यूस सेम बायोलॉजिकल इफेक्ट, इसलिए हमें उसके साथ रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस का फैक्टर मल्टीप्लाई करना पड़ता है जिसको हम आर बी ई कह रहे हैं। जैसे उसकी एग्जांपल है कहता है फॉर द सेम अब्सॉर्ब डोज अल्फा पार्टिकल्स आर 20 टाइम्स मोर डैमेजिंग देन एक्स-रेज। इसी तरह से न्यूट्रॉन जो है वो पर्टिकुलरली कहाँ सबसे ज्यादा इफेक्ट करते हैं, आईज में। सो इक्विवेलेंट डोज का फॉर्मूला जो है वो फिर आपके पास होता है 1 सीवर्ट जो है वो हम कहते हैं किसके इक्वल, 1 ग्रे मल्टीप्लाई बाय रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस, और रैम ओल्ड यूनिट है जबकि सीवर्ट इसका न्यू यूनिट है। सो अब्सॉर्ब डोज यहाँ पर जो है यही जो फॉर्मूला हमने यूज किया है कि इक्विवेलेंट डोज जो होती है यानी डी ई जो होती है और वो किसके इक्वल होती है जी, वो अब्सॉर्ब डोज मल्टीप्लाई बाय रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस होती है। ठीक है, जैसे ऊपर हमने फॉर्मूला भी यूटिलाइज किया है। सो ये वाला एक दफा रिवाइज करना है। इसी तरह से यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी में याद रखना है जो एसए यूनिट है ना वो बिक्रूल है, और 1 बिक्रूल हम कहते हैं जी वो किसके इक्वल होता है जी, 1 disintegration per second के इक्वल होता है, और 1 curie जो है वो किसके इक्वल होता है, 1 curie होती है 3.710 per 10 bicrul के इक्वल होती है। तो ये एक दफा आपने सारे यूनिट्स इसके अच्छे से रिवाइज कर लेने। नेक्स्ट जो है जी हमने अब क्वेश्चन नंबर 27 दैट इज आल्सो वेरी सिंपल। इसमें कहते हैं जी अल्फा बीटा और गैमा एमिशंस आपने अच्छे से रिवाइज करनी है एक दफा। अल्फा एमिशन जब भी होगी चूंकि ये हीलियम न्यूक्लियस है तो मास नंबर जो है उसका 4 times कम होगा, यानी A-4 जो डॉटर न्यूक्लियस है, और चार्ज नंबर -2 होगा। तो एक अल्फा का मतलब जो मास नंबर है 4 decrease होगा और चार्ज नंबर 2 decrease होगा। जबकि हम जब बीटा की बात कर रहे होते हैं तो बीटा पार्टिकल जो है उसमें कहते हैं जी चूंकि ये हाई फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन हम कह रहे हैं कमिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम जो है, उसमें देखो जी जब भी किसी भी एलिमेंट से एक बीटा पार्टिकल आएगा तो बीटा पार्टिकल जो क्योंकि कैसे आते हैं न्यूक्लियस में, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा होते हैं जो अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन्स। होता क्या है कि एक लेट से न्यूट्रॉन जो है वो डिसइंटीग्रेट होके न्यूट्रॉन जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाए, अगर प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाए तो हम कहते हैं कि वहां से एक बीटा पार्टिकल जो है वो बाहर आएगा। अच्छा अब देखो कि अगर जो है एक न्यूट्रॉन कम हो जाता है और वो न्यूट्रॉन कम होके क्या बन जाता है, प्रोटॉन बन जाता है, तो इसका मतलब ये है कि मास नंबर तो उतना ही रहा, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन की अमाउंट तो उतनी रही, लेकिन चूंकि एक प्रोटॉन बढ़ गया है इस वजह से उसमें Z+1 हो जाता है। सो यही वजह है कि यहाँ पर जो है जब भी किसी एलिमेंट से बीटा पार्टिकल निकलता है तो उसका मास नंबर जो है वो चेंज नहीं होता, वो सेम रहेगा, मास नंबर जो है वो डेट विल रिमेन सेम, लेकिन Z+1 हो जाएगा और साथ हमें बीटा पार्टिकल और फर्दर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज साथ एंटी न्यूट्रिनो मिलेगा। हाँ एक यहाँ इंपॉर्टेंट बात, कभी कभी पॉजिटिव बीटा पार्टिकल भी स्टेटमेंट में कह सकता है, अगर पॉजिटिव बीटा पार्टिकल कहे
तो मैथ्स नंबर तो अगेन सेम रहेगा लेकिन जी माइनस वन हो जाएगा, जी माइनस वन होगा और साथ भी पॉजिटिव बीटा पार्टिकल और साथ न्यूट्रोनो मिलेगा। गैमा डिके के केस में जो है ना मैथ्स नंबर में चेंज होना है ना ही चार्ज नंबर में चेंज होना है, क्योंकि ये डी एक्साइटेशन ऑफ न्यूक्लियस की वजह से, न्यूक्लियस जब एक्साइटेड स्टेट से डी एक्साइट होता है तो वहां से हमें हाई एनर्जी रेडिएशन यानी गैमा डिके वहां से मिलता है। तो अब देखो ये क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग बहुत सिंपल है, ये 228 और 86 है, कहता है बताएं कितने अल्फा पार्टिकल्स, थ्री अल्फा पार्टिकल्स उसमें से निकले हैं और थ्री बीटा पार्टिकल्स, तो बताएं फाइनल न्यूक्लिय क्या होगा। अच्छा अब इसमें देखो एक्स हमारे पास गिवन क्या था, ऊपर 228 ऐसे है जी, और नीचे जो है वो क्या था 86। अब अल्फा पार्टिकल जो है और उसके बाद बीटा पार्टिकल, अब कितने अल्फा कह रहा है, थ्री अल्फा, अगर थ्री अल्फा कह रहा है तो एक अल्फा निकल से मैस नंबर 4 डिक्रीज होता है, तो थ्री अल्फा का मतलब मैस नंबर -12 हो जाएगा, ठीक है 4 3s are 12। और जो चार्ज नंबर है चूंकि 2 होता है तो 3 2s are 6, तो यहाँ 6 आ जाएगा। अब प्लस बीटा, बीटा जो है उससे मैस नंबर तो चेंज नहीं होता, ठीक है 0 आ गया, लेकिन अब कितने बीटा कह रहा है, 3 बीटा कह रहा है, तो उसमें प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है जो आपके पास न्यू एलिमेंट बनेगा वो कितना होगा, 228 माइनस 12, ठीक है, तो वो आपके पास 216 हो जाएगा, ठीक हो गया। और जो चार्ज नंबर है वो 8 माइनस 6 प्लस 3 है, तो 3 जो है वो कम होना है, तो 86 माइनस जो है वो जो ए आपके पास 83 बन जाएगा, इसलिए आपका आंसर जो है वो आपका कौन सा बनेगा, चार्ली। सो ये आपने एक दफा न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन वाला टॉपिक जो अच्छे से रिवाइज कर लेना है, क्योंकि इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन अक्सर पेपर में आते हैं। नेक्स्ट बहुत सिंपल, इन ऑर्डर टू सेपरेट आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट जो है हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, हम केमिकल चेंज से कोई भी केमिकल प्रोसेस यूज किए हुए हम जो है वो सेपरेट आइसोटोप्स को नहीं कर सकते, क्यों क्योंकि हमने हमें पता है कि ये जो आइसोटोप्स होते हैं इनका जो है वो चार्ज नंबर सेम होता है, मैस नंबर डिफरेंट होता है। सो मैस नंबर अगर डिफरेंट होता है तो उनको हम कोई भी फिजिकल फिनोमेना जैसे मैस स्पेक्ट्रोग्राफ है उससे सेपरेट कर सकते हैं, किसी भी केमिकल प्रोसेस से उसको सेपरेट नहीं कर सकते। यहाँ एक और बात याद रखनी है कि रेडियो एक्टिविटी हम कहते हैं कि इट्स अ स्पॉन्टेनियस एंड रैंडम प्रोसेस ओवर टाइम, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एनी फिजिकल और केमिकल चेंज। याद रखिएगा रेडियो एक्टिविटी जो है वो किसी भी जो है वो फिजिकल चेंज केमिकल चेंज से इफेक्ट नहीं होती, ठीक है जी, ये भी याद रखना है आपने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपसे कहा जाए टेम्परेचर बढ़ा दिया, आपसे कहा जाए कि जी आपने जो है वो प्रेशर बढ़ा दिया या उसके ऊपर कोई एंजाइम डाल दिया, तो किसी भी फिजिकल फिनोमेना केमिकल फिनोमेना से रेडियोएक्टिविटी चेंज नहीं होती। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जी ये भी इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, अल्फा आंसर होगा 24, सोडियम 24 यूज होता है, बाकी इसके यूजेस भी आपने पढ़ने हैं जैसे कार्बन 14 जो है, आयोडीन 131 जो है, इनके यूजेस भी देखने हैं। ये तो बड़ा सिंपल है जी, इसकी जो है वो एटॉमिक न्यूक्लियस में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विद द मास नंबर जो है वो इंक्रीज करती जाती है और हाईएस्ट होती है आयरन के लिए और फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, तो इसका आंसर जो है वो फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीज विद द इंक्रीज इन मास नंबर, इस कर्व से ही आंसर बताना है। मास इक्विवेलेंट ऑफ 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो किसके इक्वल होता है, 1.66061 × 10⁻²⁷, जिसको आप 1 म्यू भी बोलते हैं, 1 म्यू इसको हम 1 म्यू यानी कि 1 एटॉमिक मास यूनिट भी बोलते हैं, तो ये 1 एटॉमिक मास यूनिट जो है अगर हम इसको एनर्जी में कन्वर्ट करें तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अराउंड एनर्जी आपके पास आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट, ये होगा जी ऑल ऑफ दीज, याद रखें किसी भी न्यूक्लियर फिनोमेना में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एनर्जी एंड मोमेंटम सारे के सारे होल्ड करते हैं, सो आंसर इज डेल्टा। गामा रेडिएशन जो है वो हमने अभी डिस्कस किया, ये डी एक्साइटेशन ऑफ न्यूक्लियस की वजह से होती है, तो बीटा आंसर है। आगे बहुत सिंपल सिंपल है, इंटरेक्शन ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन विद मैटर डिपेंड्स अपॉन, इसमें भी आंसर क्या है जी, ऑल ऑफ दीज, इसमें चार्ज ऑफ द पार्टिकल भी, एनर्जी ऑफ द पार्टिकल भी डिपेंड करता है और मास ऑफ द पार्टिकल भी डिपेंड करता है। ये टॉपिक एक नजर बुक में जो है रिवाइज कीजिएगा, इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर जो जो इंपॉर्टेंट लाइन्स है वहां पर उसको अंडरलाइन कीजिएगा। नेक्स्ट जो है इन हाफ लाइफ जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो कहता है व्हाट परसेंटेज सैंपल डिकेज आफ्टर, डिकेज आफ्टर 2 ईयर्स। अब एलिमेंट की हाफ लाइफ बताइए 1 ईयर, 1 के बाद कह रहा है 2 ईयर, ठीक है जी। अच्छा अब 2 ईयर्स का मतलब आफ्टर 2 हाफ लाइफ्स, अभी हमने टेबल डिस्कस किया है, आफ्टर 2 हाफ लाइफ्स जो है वो कितनी
रेडियोएक्टिव एलिमेंट हैव बीन डिकेड, 75% रेडियोएक्टिव एलिमेंट हैव बीन डिकेड, तो इसका आंसर जो है 75% आ जाएगा। तो देखिए अगर आप टेबल एनालाइज कर लेते हो, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। ये क्वेश्चन आप सबको पता है जिसमें लैम्डा क्या होता है उसको डिके कॉन्स्टेंट कहते हैं, और डिके कॉन्स्टेंट को हम डिफाइन कर सकते हैं द फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग न्यूक्लियाई पर यूनिट टाइम, जो उसको हम क्या बोलते हैं, डिके कॉन्स्टेंट बोलते हैं। तो आंसर इज चार्ली, इसका यूनिट क्या होता है पर सेकेंड। और यहाँ पर आपने पढ़ा भी हुआ है कि डिके कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई बाय हाफ लाइफ जो है डेट इज ऑलवेज इक्वलेंट टू अ कॉन्स्टेंट, और वो कॉन्स्टेंट जो है वो किसके इक्वल होता है, डेट इज इक्वलेंट टू 0.693 के इक्वल होता है। ठीक है जी, तो ये भी याद रखना आपने। बाकी ये भी इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, सॉलिड स्टेट डिटेक्टर जो फास्टेस्ट डिटेक्टर है वो लो से लो एनर्जी पार्टिकल्स को भी डिटेक्ट कर सकता है, जिनकी एनर्जी जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, और ये रिवर्स बायस पे ऑपरेट करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये भी आपने जो है वहां पर बुक पे अंडरलाइन कर लेने। रेडियो एक्टिविटी को किसने डिस्कवर किया था, हेनरी बेकरेल ने जो है इसको डिस्कवर किया था, तो बीटा आंसर है। थायराइड कैंसर इज द कैंसर जो है वो कॉज्ड बाय आयोडीन 131 की कमी से होता है, तो इसलिए आंसर जो है वो कौन सा है जी, चार्ली। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन मैक्सिमम हो उतना ही वो स्टेबल एलिमेंट होता है, और इसका आंसर जो है वो आपका कौन सा है, डेल्टा। तो आयरन की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन सबसे मैक्सिमम होती है, जबकि यूरानियम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ग्राफ के अकॉर्डिंग सबसे मिनिमम होती है। इसलिए हम कहते हैं कि पीरियोडिक टेबल का मोस्ट स्टेबल एलिमेंट जो है वो क्या है, आपके पास आयरन है, जबकि मोस्ट अनस्टेबल जो है वो कौन सा है, यूरेनियम है। इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो है वो 8.8 जो है वो आपके पास मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, जबकि आपके जो है वो इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है ये 7.6 जो है वो आपके पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकलती है, -7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो आयरन इज द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट, जबकि यूरेनियम जो है वो हम कहते हैं मोस्ट अनस्टेबल एलिमेंट। ठीक है जी, सो इट्स ऑल अबाउट टू दिस डिस्कशन। आप आपके जो क्वेश्चन आंसर है उसका जो सिलसिला स्टार्ट होता है, अभी हम जो है वो दोबारा मैं ऑनलाइन होता हूँ, लॉग इन करता हूँ, और आपने जो है वो जो क्वेश्चन आंसर है वो प्रिपेयर कर लें, जो जो आपने पूछे हैं तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं।